भाई आज लेके आए हम फिर से एक बलेनो। देख लो भाई ये खुली हुई है पीछे से, तो इसमें काफ़ी सारा काम हो रहा है। वो अभी आप देख लो क्या क्या हो रहा है, वो जो काम होगा वो हम आपको लास्ट में दिखा देंगे। पीछे की लाइट से आप समझ गए होगे, इसमें लाइट डल रही है, ये ऐसी कुछ लाइट है आफ्टर मार्केट, ये देख लेना बाद में जब लगेंगी। पहले वाली बलेनो में दिखा दिया था, ये जीटा वेरियंट है जो इसके एलॉय देख लो, ये रे ऐसे आते हैं इसमें, और ये रे इसके क्रोम हैंडल्स सारे इसमें, रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइड आ जाता है, वर्किंग है ये, डेल्टा में वर्किंग नहीं रहता। आगे से देखो तो गाड़ी अभी पूरी खुली हुई है, कल ही शोरूम से आई है गाड़ी। आरएस वाली इसमें ग्रिल लग रही है, हॉर्न चेंज हुए हैं, हॉर्न इसमें क्रेटा वाले हैं, नीचे इसमें एलईडी हटा के डीआरएल्स वगैरह सब हैं, और नीचे इसमें फॉग लैम्प भी चेंज हो रहे हैं, वो लास्ट में हम दिखा देंगे, अभी तो ये देख लिया आपने। थोड़ा साइड चलें तो गाड़ी में जो जो काम होगा वो एक बार लास्ट में दिखा देंगे। भाई यहाँ पे कर रहे हैं अभी, ये देखो इधर यहाँ पे आप फॉग लैम्प की प्लेसमेंट कर रहे हैं, सारा कपलर टू कपलर काम है भैया। तो यहाँ पे कोई भी वायर कटिंग वगैरह कोई वायर नहीं कटेगी भैया, कह रहे हैं सारा कपलर वाला काम है। आरएस वाली ग्रिल लग चुकी है, वो एक बार आपको लुक दिखा देंगे लास्ट में। तो भाई हो गया बलेनो जीटा का बम्पर आगे से पूरा देख लो चेंज हो चुका है। यहाँ आप देख पा रहे हो ये जो ग्रिल अलग अलग से दिख रही होगी, ये बलेनो आरएस की ग्रिल है भाई। और नीचे की तरफ थोड़ा सा आए तो यहाँ पे आपको इसके प्रोजेक्टर दिख जाएंगे जिसमें HID डली हुई है, बहुत तगड़ी इनकी वो है। एक बार मैं आपको जला के दिखाता हूँ। तो भाई ये इसके सिर्फ प्रोजेक्टर ऑन हुए हैं, देख लो इनकी हाई बीम भी एडजस्ट कर सकते हो आप, इनमें भी हाई बीम लो बीम है, जब हाई बीम करोगे तो ये ऑन हो जाएंगे, बहुत तगड़ा थ्रो है इनका, बहुत तगड़ा। वहीं ऊपर आप इसके DRLs देख लो कितने सही लग रहे हैं दिखने में। और चलते हैं थोड़ा सा इधर, तो बीच की ग्रिल तो काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी, इस साइड देख लो। ये तो भाई इसका कुछ फ्रंट से, और इसमें गाड़ी में भी 70 मैट्स भी डल रहे हैं जो हो चुके हैं, वो देख लो एक बार। फ्रंट के हो गए हैं देखो एक बार, ये देखो कुछ ऐसा लुक दे रहे हैं। तो भाई ये हैं इसके कुछ ऐसे 70 मैट्स, देख लो एक बार आप, काफ़ी अच्छा लुक दे रहे हैं। उस साइड के अगर दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं काफ़ी, ब्लैक कलर के हैं, इस पर गोल्डन सी स्टिच हैं दिख रही होंगी आपको थोड़ी, शायद लाइट कम है इस वजह से नहीं दिख पा रही। पीछे देख लो काफ़ी अच्छी लग रही है भाई ये, देख लो एक बार। तो और काम जो होगा वो भी दिखा देंगे, 70 मैट्स हो चुके हैं, और एक बार प्रोजेक्टर की एक बार आप आगे से देखो। तो ऐसे भाई इनका पूरा कुछ थ्रो आ रहा है, देख लो आप, दिख रही होगी तो दिख ही रही है, वैसे देख लो ब्राइटनेस बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, उसके बाद देखो कितने तगड़ा लग रहा है आगे से देखने में इसको। थोड़ा और पीछे चलते हैं, एक बार और ब्राइटनेस कम करें, तो ये देखो बहुत ग्रिल से बहुत ज़्यादा इसकी जो वो है मतलब लुक इनहेंस हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। वो ग्राउंड देख लो पीछे क्या काम हो रहा है, एक बार वो और देख लो, इसमें रिफ्लेक्टर इंस्टॉल हो चुके हैं, बस उसका कनेक्शन होना बाकी है, सारा कपलर वाला काम है। तो जैसे ही वो इंस्टॉल हो मतलब हो चुका है, कनेक्शन हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार और अगर अंदर से आपको दिखाएं बाहर की कैसे लग रही है लाइट, तो एक बार देखना अभी। तो अभी तो ज़्यादा नोटिस नहीं कर रहा कैमरा, एक बार ब्राइटनेस अगर। तो भाई ये बलेनो तो हो चुकी है अपनी फाइनल, एक बार इसका फाइनल लुक देख लो पीछे से, लाइट्स ऑन करें इसकी, लाइट्स हो गई ऑन, ये रही इसकी की पीछे से। तो भाई गदर लग रही है ये देख, वो पुराने जो इससे पहले थी उसमें हम अच्छी तरह दिखा नहीं पाए थे। तो ये देखो अब इसके इंडिकेटर ऑन हो चुके हैं, अब इसका लुक देखो जरा पीछे से, तो भाई इसका लुक काफ़ी अच्छा है, ओनर से मिलवाएंगे आपको।
70 मैट्स मैंने आपको दिखाई दिए हैं, 70 मैट्स जले हैं। अपना जीटा वेरिएंट है, फ्रंट में इसमें फॉग लैंप और बाकी सारे। ये वही वाली बलेनो है जो आई हुई थी बम्पर में, जो नीचे इसमें लाइट लगी थी फॉग लैंप वगैरह, और ये सब जो पीछे की रेड लाइट्स हैं वो हुई थी, ये देख लो एक बार। तो ये वही वाली है, तो इसका इसमें अब लग चुके हैं एलोए। इसमें कंपनी भी देती है जीटा वाली भी, जीटा वाला वेरिएंट है, पर इसमें बाहर से लग चुके हैं। अगर साइज दिखाएं हम इसका आपको, ये देखो इधर 215/45R17 17 इंच के टायर हैं भाई ये, और इनके जो अंदर के कैलिपर्स हैं वो रेड कलर के पेंट हुए हैं, देख लो ये देखो। अभी जो अभी ये यहाँ पे आई हुई है स्टिकरिंग के लिए, इसमें स्टिकर्स वगैरह होंगे और इसकी विंडोज़ ब्लैक होंगी, वो सारा अभी हम आपको दिखा देंगे। बाकी कार के एक बार इंटीरियर दिखाएं कार का। तो ये जीटा वाला वेरिएंट है, तो भाई इसमें आती है ऐसी स्मार्ट की, देख लो ये ऐसी आती है। तो चलते हैं एक बार गाड़ी के अंदर। ये स्मार्ट की ऐसी रहती है भाई, इसको अगर हम जेब में रख लेंगे और इस बटन को दबाएंगे ना रिक्वेस्ट सेंसर को, तो अपने आप अनलॉक हो जाएगी। देखो ये हो गई, चाबी रख ली जेब में, लॉक अनलॉक। अब गए एक बार इसके अंदर, चलते हैं चलो। तो इसे टॉप मॉडल से एक नीचे वाला है, फिर भी कंपनी इसमें सीट कवर वगैरह कुछ नहीं देती। ये देख लो यहाँ पे ऐसे डुअल टोन सा मिल जाएगा आपको ब्लैक और ब्लूइश में। तो बैठते हैं एक बार गाड़ी के अंदर। तो बैठते ही तो आपको सबसे पहले ये दिख जाएगा कि कौन सा डोर गाड़ी का खुला हुआ है। तो अभी मेरी साइड का खुला है तो वो दिखा रहा है यहाँ पे। डोर करते हैं बंद, गाड़ी को मारते हैं स्टार्ट, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आते हैं इसमें। ये हो गई स्टार्ट गाड़ी। स्टेयरिंग वगैरह भाई एलोए बहुत सही लग रहे हैं इसके, काफ़ी लाइट है ये देख लो एक बार। 8000 तक मार्किंग है, पेट्रोल इंजन है, सीएनजी फिट होगी इसमें। एमआईडी से रिलेटेड इसमें आपको काफ़ी सारे फंक्शंस मिल जाएंगे जो कि हैं इसमें। आपको ऊपर देखो टाइम वगैरह सब कुछ दिख रहा है यहाँ से, आप इसकी लाइट वगैरह भी बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे एवरेज, तो बीच में आपको एवरेज और डोर वगैरह रेंज सब कुछ दिख जाएगा। चेंज करेंगे इसको तो यहाँ पे आपको ये इकोनॉमी वगैरह सब कुछ दिख जाएगा, ड्राइव आप कैसे कर रहे हो, ड्राइव टाइम दिख जाएगा आपको। यहाँ पे फिर से टाइम का आ गया, ये आप देखो टॉर्क और पावर आ गया। मैं कार को एक्सेलरेट करूँगा तो टॉर्क बढ़ता हुआ दिखेगा, देखो दिख रहा है इसमें। तो और थोड़ा सा इधर दिखाएं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा बीच में मारुति का एक लोगो। यहाँ पे म्यूट मोड, वॉल्यूम अप डाउन और ट्रैक चेंज, बाकी सब कुछ सेम है जो पहले वाली बलेनो उसमें दिखाया था, बस बीच में कंसोल चेंज है थोड़ा सा। तो बीच में आपको वही अपना बस एक इंफोटेनमेंट सिस्टम अलग दिखता है, ब्लूटूथ हैज बीन डिसकनेक्टेड, सब कुछ आपको दिख जाएगा। गाड़ी पे काम होना स्टार्ट हो गया है, वो देखो पीछे अपना हो रहा है। बीच में आपको डबल इंडिकेटर यानी मिल जाते हैं यहाँ पे, देखो तो लाइट जलाएंगे तो ये डिम हो जाएगी थोड़ी सी, नहीं हुई मतलब इसमें ब्राइटनेस बढ़ा रखी है अभी थोड़ी सी। आगे आपको बहुत अच्छी लाइट इसमें मिल जाएंगी। बीच में एसी के कंट्रोल आते हैं जो ऑटोमेटिक है। वहाँ पे स्टोरेज है, बिल्कुल नई कार है, दो दिन पहले ही आई है। थोड़ी ब्राइटनेस अगर हम बढ़ाएं तो ये देखो यहाँ पे सामान रख सकते हो आप लोग। बीच में यहाँ पे दो कप होल्डर हैं, पांच गियर आते हैं इसमें और एक रिवर्स। यहाँ पे हैंड ब्रेक दिख जाएगा। बीच में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें सामान वगैरह रख सकते हो। ये जो आपको मिलता है ये ORVM, ये इलेक्ट्रिक है ऑटो वगैरह पे। इसमें जो रात के टाइम अगर लाइट आएगी वो ग्रीन हो जाएगी। यहाँ पे लाइट मिलती है जो हेलोजन है, कोई माइक वगैरह यहाँ पे नहीं मिलता। एसी के कंट्रोल्स वही हैं सेम जगह। यहाँ पे आपको ट्विटर की प्लेसमेंट दिख जाएगी मेरी। और रियर सीट्स वगैरह सब सेम है, यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाएगी। बस मेरे को एक मोटिव यही था, इसकी थोड़ी सी MID चेंज है ये दिखाना था। देखो थोड़ी सी एक्सेलरेट करेंगे तो टॉर्क बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। तो वाइपर के कंट्रोल इस साइड, रियर वाइपर इसमें आता है इस साइड, लाइट्स के कंट्रोल, ऑटोमेटिक लाइट तो इसमें नहीं आती, तो आप यहाँ से सारी चीज़ सेट कर सकते हो। चलो